हेलो दोस्तों, नमस्कार। अष्टम जी पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो उत्तराखंड शिक्षा अधिकारी का ये तीसरा पार्ट है करंट अफेयर्स का। उससे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अभी किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पहला मामला आया है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि कोविड-19 इसमें पूरी प्रचंड रूप में पूरे विश्व में व्याप्त है। भारत में भी लाख लाख से अधिक मामले आ चुके हैं। तो क्वेश्चन है कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पहला मामला अभी प्रकाश में आया है। तो आपका सही जवाब होगा असम में ये पहला मामला आया है अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्थिर वित्तीय स्थिति के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। देना बैंक, उत्कर्ष बैंक, एक्सिस बैंक और सीकेपी सहकारी बैंक। आपका सही जवाब होगा सीकेपी सहकारी बैंक। अभी आरबीआई ने इसके वित्तीय स्थिति में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ संदेहास्पद स्थिति मिली थी, उसी को देखते हुए आरबीआई ने इसकी जो मान्यता थी लाइसेंस था इसका रद्द कर दिया है। तो आपका बैंक है सीकेपी सहकारी बैंक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस मशहूर कवि का, जिनका नाम है केएस निसार खान, ये इनके अभी हाल ही में डेथ हुई है, और ये किस भाषा के मशहूर कवि थे, प्रोफेसर केएस निसार खान। देखिए अक्सर क्या होता है, व्यक्तित्व से संबंधित, पर्सन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पर्सन में कुछ मान लीजिए चर्चित होते हैं और कुछ की डेथ भी होती है, तो अभी चोरी करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये केएस निसार खान किस भाषा के मशहूर कवि थे, अभी इनकी डेथ हुई है, वो अभी कन्नड़ भाषा के थे ये केएस निसार खान। आप क्लू देख सकते हैं कि के एस निसार अहमद के से कन्नड़ हो गया। तो आप ये क्लू याद रखेंगे कि केएस निसार खान कन्नड़ भाषा से संबंधित थे। उनकी उम्र अभी 84 वर्ष की अवस्था में उनकी डेथ हुई है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किन राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। भारत में किन राज्यों के समूह में ठीकरी पहरा नामक एक प्रथा का आयोजन किया जा रहा है कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए। तो ये आपका जवाब होगा पंजाब एवं हरियाणा। आप देख लीजिएगा, पंजाब एवं हरियाणा बिल्कुल सटे हुए राज्य हैं, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी है ये। तो ये कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा नामक का एक अभियान चालू किया जा रहा है पंजाब एवं हरियाणा में। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये अभी कोविड-19 को देखते हुए अभी जो लॉकडाउन शुरू हुआ है उसी दौरान ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसके तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त भी मंजूरी की गई है इसकी, तो वो 500 रुपये की राशि है जो अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जनधन अकाउंट में भी ये पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है। इसका भी जनधन अकाउंट विशेषकर महिलाएँ जो हैं, तो 500 रुपये का ये अभी मंजूरी दी गई दूसरी किस्त। ये 3 महीने तक एक डिसाइड किया गया, 3 महीने तक 500 रुपये देना है। तो याद रखना है आपको 500 रुपये की भी किस्त दी गई है। देखिए कोविड-19 को लेके ना कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो रहेंगे कोई भी एग्ज़ाम में, और खंड शिक्षा अधिकारी चूँकि एकदम बिल्कुल आपका स्टेट कमीशन का जून में होने वाला है, तो उसको देखते हुए इसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया है, बताइए। आपको कोविड-19 का पूरा संक्रमण चला हुआ है, ये डीआरडीओ के द्वारा इसका विकास किया गया टावर है, और एक बॉक्स की तरह है। इसमें जो भी संक्रमित ग्रसित जो व्यक्ति होंगे उनको कीटाणुरोधी करने के लिए इस टावर का विकास किया गया है। तो ये डीआरडीओ के द्वारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है, इसरो का मुख्यालय बंगलोर में है। सातवां क्वेश्चन है। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो आपका जवाब होगा पंजाब नहीं है, ये महाराष्ट्र है। जो पहला, जो आपको पता भी है कि इस समय भारत में सबसे अधिक जो कोरोना से ग्रसित मामले हैं करीब 50,000 के आसपास पहुंच चुका है। कहाँ पे पहुंच चुका है, महाराष्ट्र में।
50,000 मामले पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये कैशलेस क्या है, कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है कोविड 19 के तहत। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, किस कश्मीरी उत्पाद को अभी जीआई टैग प्रदान हुआ है, तो आपका आंसर होगा केसर। गुड़ जो मरियूर गुड़ है वो केरल का है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग से ये होता है कि उस उत्पाद का फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइज हो जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसके नकल रोकने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, तो इसलिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जो जीआई टैग का पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो विशेष उत्पाद को प्रदान किया जाता है भारत सरकार के जो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। और ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग के द्वारा प्रदान, जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे जो पदार्थों को जीआई टैग दिया गया है उसमें देख लेते हैं क्या है। जो अभी भारत में जीआई टैग की बात आती है तो सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया था, जीआई टैग वो दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय कहाँ की मशहूर है, वो पश्चिम बंगाल की मशहूर है। तो दार्जिलिंग चाय जो पश्चिम बंगाल के, उसको पहला जीआई टैग दिया गया। तो उसके बाद पुचमपल्ली एक इकत वो संरचना है, हथकरघा से संबंधित काम है ये, तो ये तेलंगाना को प्रदान किया गया था। चंदेरी साड़ी है, कंदमाल हल्दी है, मरियूर गुड़ है, बीटल पान है, तो ये सारी चीज़ों को जीआई टैग प्रदान किया। जीआई टैग पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। आइए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। देश की जो सबसे बड़ी इंडियन ऑयल कंपनी है, तेल की जो कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसके नए चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो आपका जवाब होगा श्रीकांत माधव वैद्य को। क्वेश्चन पूछ देते हैं कभी कभार व्यक्तित्व के रूप में जो नियुक्तियाँ होती हैं उनको पूछ, बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपका जवाब होगा आईओसी के जो चीफ नए हुए हैं वो श्रीकांत माधव वैद्य हुए हैं। दसवां क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपने पीएससी के बारे में सुना होगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक से लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं वो अधीर रंजन चौधरी हैं, तो उन्हीं को ये, और ये पीएससी भी हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं पीएससी के, तो इन्हीं को नियुक्त किया गया है। संसदीय समिति लोक लेखा पर एक संसदीय समिति है, उसकी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी नियुक्त हुए हैं। आइए विशेष अपडेट पे देख लेते हैं। विशेष अपडेट में कुछ करंट अफेयर्स मैंने डाला हुआ है वन लाइनर के रूप में, उसको देख लेते हैं, दो तीन मिनट की बात है, देखते हैं। विशेष अपडेट में है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी, जो उनके संजय कोठारी छोटा है, थोड़ा सा जूम करके आप देख लेंगे तो सही रहेगा, संजय कोठारी उनके विशेष सचिव रहे हैं राष्ट्रपति के। अब वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इन्हें नियुक्त किया गया है, उनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समिति वाली अध्यक्षता वाली समिति ने किया है। तो संजय कोठारी आप याद रखेंगे, संजय कोठारी को क्या किया गया है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। दूसरा क्वेश्चन है बिमल जुल्का को क्या किया है, केंद्रीय सूचना आयोग का अगला मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है नियुक्ति से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है कि मार्च 2020 को भारत ने आर्मेनिया को चार स्वदेशी में, यानी कि भारत में ही निर्मित किया गया हथियारों का पता लगाने में सक्षम हथियार, यानी कि रडार प्रदान किया है आर्मेनिया को। याद रखेंगे कि मार्च 2020 में भारत ने आर्मेनिया से समझौता किया था जिसमें चार स्वदेशी निर्मित रडार जो हथियारों का पता लगाने में सक्षम होते हैं उनको बेचने के लिए सौदा किया है। आर्मेनिया की राजधानी है एरेवान। चौथा है अपडेट आपका, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला, याद रखेंगे जो पहली चीज़ होती है ना, जैसे पहला कोई चीज़ जहाँ पे आएगा पहला शब्द, तो उसको विशेष कर ध्यान दीजिए क्योंकि उसके क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या हुआ, पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा, यानी कि
प्लास्टिक का मतलब कि अगर एक प्लास्टिक अगर एक ही बार यूज किया जाता है उसको हम केवल कहते हैं सिंगल यूज, यानी कि अब वो दोबारा यूज नहीं हो सकता है। तो इस तरह के प्लास्टिक को यूज करने से मनाही कर दिया गया, यानी कि प्रोहिबिट कर दिया गया है। कहाँ पे बैन कर दिया गया है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पे। भारत ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो आपका आंसर होगा 2022 तक। पांचवा क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले अयोध्या वर्डिक्ट भी आया था और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रस्ट स्थापित करने के लिए बोला था और उसी ट्रस्ट के अधीन राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर का निर्माण होगा अयोध्या में। तो उस ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हुए हैं? महंत नृत्य गोपाल दास। छठा अपडेट है, अफगानिस्तान के चुनाव आयोग ने अशरफ गनी को पुनः राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका चूंकि भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान के वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं? सातवां क्वेश्चन है, एथनोलॉग के अनुसार अंग्रेजी और मैंडरिन के बाद हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हो गई है। कौन हुई? एथनोलॉग एक संस्था है जो ये बताती है पूरे विश्व में कौन कौन सी भाषाएं कितनी कितनी संख्या में बोली जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले स्थान पे अंग्रेजी और मैंडरिन है, उसके बाद तीसरे स्थान पे हिंदी यानी कि हमारी राष्ट्रभाषा का मतलब है कि जो संविधान में लिखित है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि संविधान में हिंदी को कहा गया कि ये राष्ट्रभाषा होगी। तो राजभाषा यानी कि राजभाषा मतलब कि राजकाज की भाषा जो राज्यों में काम करने में इस्तेमाल किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो हिंदी हमारी क्या हो गई है? तीसरी भाषा विश्व में हो गई है। उसको इस्तेमाल करना देखिए कितने 615 मिलियन लोग हैं हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं पूरे विश्व लेवल में। जो आठवां आपका जो विशेष अपडेट है, 19 फरवरी 2020 को पाकिस्तान ने 600 किलोमीटर रेंज वाली राद मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राद मिसाइल का परीक्षण अभी हाल में किस देश ने किया है? तो आपने पाकिस्तान ने किया है। तो ये आपको विशेष अपडेट हो गई, आप इसको याद रखेंगे, एक बार बस रिवीजन कर लेंगे तो सही रहेगा सारा कुछ। तो खंड शिक्षा अधिकारी का मैं ये तीसरा वीडियो दिया, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।